तो स्ट्रांग वाली फीलिंग चाहिए होती है कि नहीं अब वेट लॉस करना ही करना है, तो वो मैंने अपने अंदर लाई कि करना है वेट लॉस। तो मैंने जनाब कर लिया, प्रोफेशनल लाइफ में आके मैंने वेट लॉस कर लिया। मैं 75 kg से 60 kg पर आ गई थी, अभी 5 kg दोबारा गेन हो गया। मैंने 15 किलो कम किया था, 75 से मैं 60 पर आ गई थी। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या किया। मैंने ना पोर्शन साइज अप्लाई किया, ठीक है, पोर्शन साइज फूड मैंने खाया। ठीक है, मैंने इस तरीके से अपना 15 किलो कम किया। और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में मैंने सिर्फ वॉक की थी, मैं 1 घंटा वॉक करती थी। आप सबको पता है एयर स्ट्रिप रोड पे जो गली जाती है, ठीक है, एयर स्ट्रिप जिधर बना हुआ था पहले, ठीक है, इलामा इकबाल टाउन में, तो वहाँ पे जो वॉकिंग एरिया बना हुआ था वहाँ पे मैं करती थी। पूरा 1 घंटा मैं वॉक करती थी, पूरा 1 घंटा। मेरे 1 घंटे मेरे 5 चक्कर लग जाते, और कभी कभार मैं ज्यादा भी लगा लेती थी। ऐसे फ्लो में वॉक करती थी ना कि बस चलती जाती थी, चलती जाती थी। थोड़ा सा बीच में आया था कि थोड़ी सी रनिंग भी कर ली मैंने, ठीक है, तब तो जनाब मैंने कर लिया वेट लॉस। मुझे ऐसे लगता था कि वेट लॉस कभी हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ना उम्मीद हो चुकी थी। मुझे लगता था मैं मोटी हूँ तो हमेशा मोटी ही रहूंगी, लेकिन जब मैंने वेट लॉस कर लिया, आई एम शॉक्ड कि मैंने वेट कम कर लिया। और अभी भी चलो, अभी मैंने 5 kg गेन कर लिया, लेकिन अभी भी मैं अगर चाहूँ ना तो वो चीज़ें दोबारा अप्लाई करके मैं वेट कम कर सकती हूँ। अभी मुझे कोई टेंशन नहीं हो, तब मुझे ये टेंशन होती थी कि पूरी ज़िंदगी कभी कम ही नहीं हो सकता, लेकिन अब हम वेट लॉस कर सकते हैं और ये हकीकत है, मैंने किया है वेट लॉस। ओके, सो मैंने पोर्शन साइज किया था, लेकिन पोर्शन साइज और एक्सरसाइज से पहले आपको पता होना चाहिए फैट होता क्या है। हम जो मोटे हैं, मोटापा है, ये है क्या, ये फैट होती क्या चीज़ है। तो जनाब फैट बनता कैसे है? जो पतले लोग होते हैं वो ज्यादा खाना खा रहे होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं वो कम खाना खा रहे होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए ये फैट होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास फैट का नॉलेज होगा, तब हम वेट लॉस कर सकेंगे, अदरवाइज हम वेट लॉस नहीं कर सकेंगे। सो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वेट लॉस कैसे किया। जी, पहले तो मैंने पूरा सर्च किया, ठीक है, कि फैट है क्या। मुझे इतनी चीजें पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि जो फैट होता है ना, ये स्टोर्स होते हैं हमारे, देखें ये जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा मसल्स में एक्स्ट्रा जो होता है, ये फैट होता है, ये जो हमें मास चढ़ा होता है, ठीक है ना। तो ये कैसे बनता है, ये बनता कैसे है? जब हम अपनी अपनी जो हमें भूख लगी होती है उससे ज्यादा हम लोग खा लेते हैं ना, तब ये फैट बनता जाता है। तो जनाब फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक रोटी की भूख थी, सालन बहुत मजे का बना हुआ था, मैंने 1.5 रोटी खा ली। अब वो जो 1 रोटी की जो भूख थी वो तो डाइजेस्ट हो गया है, वो जो दूसरा है ना जो मैंने एक्स्ट्रा खा लिया, वो जनाब स्टोर बन जाएगा। वो मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरी बॉडी कहेगी कि इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ, शायद इसको कल खाना ना मिले तो वो स्टोर हम यूज कर लेंगे। हमारी बॉडी को ना, हमारी बॉडी का ये सिस्टम है जनाब, कि जितना उसने यूज करना होता है वो यूज करती है, और बाकी सारी चीजों को वो स्टोर करने लग जाती है। तो थोड़ा थोड़ा जो स्टोर होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे इतने की भूख थी, मैंने इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लिया ना, तो वो इतना यूज तो कर लेगी, खून बनाएगी, एनर्जी देगी, सारे काम मैं उस इतने से ही से कर रही हूँ जो मेरे अंदर एनर्जी एनर्जी होता बंदा काम करता है, इतने से तो मैंने काम कर लिया सारा। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने खाया था ना, वो सारा मेरा चला जाएगा स्टोर में, वो मुझे लगने लग जाएगा हाथों में, बाजू में, मुंह में, हर जगह लगने लग जाएगा। तो ये सीन होता है, स्टोर्स कैसे बनते हैं, आपका फैट कैसे बनता है। तो हमने इस फैट को खत्म करना है, जो स्टोर्स हमने दे दिए हैं ना अपनी बॉडी को, ये स्टोर्स हमने खत्म करनी है। तो जनाब इसके लिए क्या करना पड़ता है, जाहिर बात है आपको कोई डाइट करनी पड़ेगी। आपको भूख लगी है ना 1 रोटी की, फिर आधी रोटी खाएं ताकि वो जो स्टोर उसने किया है साथ हमारी बॉडी वो यूज करे। सो मैंने क्या किया, मैंने पोर्शन साइज यूज किया। अब पोर्शन साइज में आपने कितना खाना है, फॉर एग्जाम्पल चावल बन गए घर में, पोर्शन साइज में हर चीज हम खा सकते हैं। मैक्रोनी बनी है, मैक्रोनी खाएं, बिरयानी बनी है, बिरयानी खाएं, कोई भी चीज बन गई है, कोक है, कोक पिए, आपकी पसंद है कोक, मुझे भी कोक बहुत पसंद थी, मैं नहीं छोड़ सकती, मैंने कोक पी, मैंने पोर्शन साइज में कोक पी। अच्छा जी, अब करना क्या है, आपके घर चावल बन गए, बिरयानी बन गई, आपकी बिरयानी फेवरेट है, आप क्या करेंगे जनाब, आप सारे खा रहे हैं बड़ी प्लेट में, आप खाएंगे छोटी प्लेट में, ठीक है, और जनाब कोक पी रहे हैं ना सारे, इवेंट आ गया और सारे कोक पी रहे हैं, तो जनाब आप जो कोक है ना वो आप कप में पी लें, छोटे ग्लास में पी लें, ठीक है, अपनी प्लेट छोटी कर दें, अपनी चम्मच छोटी कर दें, अपना कप छोटा कर दें, गिलास छोटा कर दें। अच्छा, मैं तो चाय विदाउट शुगर मैंने कर दी थी, ठीक है, ट्राई करें हो जाएगी विदाउट शुगर। आजकल शुगर बहुत आम हो रही है, हर किसी को शुगर हो रही है टेंशन के मारे, ठीक है। तो मैं जनाब, लेकिन जब मैंने वेट लॉस किया था ना, तब मैं शुगर वाली चाय पीती थी, अब जाकर मुझे लगता मैं ना कैमरे में नहीं देखती, इधर उधर देख रही, चलो मैं कोशिश करती हूँ कैमरे में देखूँ। ओके, तो शुगर वाली चाय भी पी लेना, पर कम कर दें वो थोड़ा, ठीक है, और योगर्ट खाते हैं, दही खाते हैं मॉर्निंग टाइम, तो
बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, ठीक है। पहले आप पूरी डिश खाते थे, अब आधी डिश कर दें, ठीक है। चावल आप खाते थे, अब मैं चावल बड़ी प्लेट में खाती थी, मुझे पता था पोर्शन साइज में छोटी प्लेट में खाना है। आप देखें 4 या 5 चम्मच मैंने चावल डालनी है ना, तो मैं इतनी ज्यादा चटनी ले लेती थी, रायता ज्यादा ले लेती थी, ताकि लगे उनकी प्लेट फुल है ना। हाँ जी, एक और चीज, वेट लॉस करना दिमाग का खेल है, अपने दिमाग को खुश रखना है। अगर आप टेंशन में वेट लॉस करेंगे ना, टेंशन के मारे काम कहेंगे जी मैं वेट लॉस पे हूँ, भूख लगी हुई थी, मैं खा नहीं सका या मैं खा नहीं सकी, आपका वेट लॉस कभी भी नहीं होगा। मैं वेट लॉस करते हुए मैंने अपने आप को हैप्पी रखा है, मैंने अपने दिमाग को हैप्पी रखा है। मैंने कहा स्वीटी बाकी सारे बड़ी प्लेट में खा रहे हैं ना, तुम भी बड़ी प्लेट में खाओ। मैंने भी बड़ी प्लेट में ही खाया, लेकिन मैंने इतना ज्यादा सैलड ले लिया, इतना ज्यादा रायता ले लिया, और चावल मैंने थोड़े से ले लिए, और जितने टाइम में बाकी सबने प्लेट खत्म की उतने टाइम में मैंने प्लेट खत्म की। अब जो ना मेरी रोटी होती थी, ये पाम देख रहे हैं हथेली, इस हथेली से छोटा मेरा जो था ना आटा, मैं लेती थी पेड़ा जो कहते हैं जिसको, इस हथेली से छोटा होता था, उस पेड़े की आटे की रोटी मैं खाती थी, ठीक है। तो इतनी पेपर जितनी पतली रोटी बनती थी मेरी। अब जो ना बाकी सबकी रोटी थोड़ी मोटी होती थी, सारे रोटी खा रहे हैं, मेरी तो जल्दी खत्म हो जाएगी। अब मैंने क्या किया जनाब, मैंने ना उस रोटी को आराम आराम से चबा चबा कर खाया, ठीक है। और अपनी रोटी उस वक्त तक मैं खाती रही जब तक सबकी रोटी खत्म नहीं होगी, अपने दिमाग को हैप्पी रखना था। करना क्या था, ये क्यों मैं कर रही थी ये सारा कुछ, मैं भी रोटी जल्दी खाती और फारिग हो जाती, बस बाकी सारे खाते रहते, मैंने नहीं। मैंने खाना अपनी फैमिली के साथ खाना था, जितना टाइम उन्हें लिया अपनी सही जो रोजमर्रा खाना खाते हैं, जितना टाइम उन्हें लिया मैंने भी उतना टाइम लिया, ठीक है, जो मैंने अपनी पोर्शन साइज रोटी खाई। और ये पोर्शन साइज जो रोटी थी ये मैंने तीनों टाइम खाई, सुबह भी, दिन को भी, रात को भी। रात का खाना मैं क्या करती थी, मगरिब की नमाज पढ़ के फौरन खा लेती थी, और फिर मैंने अगर मैं 12 बजे तक जाग रही हूँ, 11 बजे तक जाग रही हूँ या 10 बजे तक जाग रही हूँ, मैंने खाने को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। मैंने बस जो मगरिब के बाद खाना खा लिया फाइनल है, उसके बाद मैंने खाना नहीं खाने वाली, तो ये काम होता था, ठीक है। और जनाब अगर कोई इवेंट आ गया, कोई बर्थडे पार्टी आ गई, कुछ भी आ गया, तब भी आप खाएं, समोसा है, केक है, थोड़ा ले लेना, थोड़ा पीस ले लें, ठीक है, समोसा पूरा खा लें। पकौड़े अगर 4 पकौड़े पड़े हुए हैं, 2 पकौड़े खा लें, ठीक है। चटनी जितनी मर्जी खाएं लें आप। और इसी तरह मैंने सारा कुछ खाया, मैक्रोनी बन गई घर में जी, आप छोटी प्लेट में मैक्रोनी खाएंगे और उतनी ही खानी है, पुलाव इसी तरह, जो भी डिशेज वगैरह होती हैं, ठीक है, जो आपको याद हो, मुझे तो फिलहाल याद ही नहीं आ रहा क्या क्या होता है। आपने इस तरह से अपना वेट लॉस करना है, सब कुछ खाएं लेकिन थोड़ा खाएं, सुबह का नाश्ता लाजमी करें, पोर्शन साइज करें। हाँ, जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, बिजी होते हैं, बहुत ज्यादा उनका मेहनत वाला काम है, वो नहीं कर सकते पोर्शन साइज, मुझे खुद पता है पोर्शन साइज उनके लिए काफी नहीं होता। वो साथ विटामिन ले लें, विटामिन नुकसानदेह नहीं होती। मैं वो सर्बेक्स जी यूज करती रही हूँ, ठीक है, जिंक, तो वो बहुत अच्छी थी, एक्टिव रहता है बंदा वीक नहीं होता, वीकनेस नहीं बंदे को फील होती, वरना मैं ना खाकर भी मैंने देखा मुझे वीकनेस हो जाती थी, और मैं एक हफ्ता पूरा बीमार ही, इतनी ज्यादा वीकनेस होगी जब मैंने खाना कम कर दिया था। बट जब मेरा वेट गिरा, आई एम शॉक्ड, इतनी मैं हैरान होगी जब मेरा वेट गिरा, तब मैंने यकीन कर लिया कि वेट लॉस करना मुश्किल काम नहीं है, आसान है, हर कोई वेट लॉस कर सकता है। सो ये जो थोड़ी थोड़ी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हर चीज बताऊँ। हाँ, एक और मेन चीज जो मैंने बताना आपको भूल गई, 2 मेन चीज। एक, आपके पास ना मोटिवेशन होनी चाहिए कि वेट लॉस करना है। कभी कभार कोई बंदा आपको मोटा बोल दे ना, और कोई ऐसी बात बोल दे आपको हर्ट हो जाए, वो बंदा ना काम कर जाएगा आपका बहुत अच्छा, आपको वेट लॉस करने में आपकी हेल्प कर देगा वो। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, किसी ने मुझे बोल दिया मैं मोटी हूँ, फैटी हूँ मैं, ठीक है, तो ये चीज मुझे लग गई, तो ये मेरी मोटिवेशन बन गई कि आप तो वेट लॉस करना ही करना है, ठीक है। तो पॉजिटिव ले जाए, बहुत सी चीजों को हम पॉजिटिव भी लेके जा सकते हैं। और दूसरी चीज जनाब, आपके पास वेट मशीन होनी चाहिए। ये सामने मेडिकल स्टोर था, मैंने यहाँ से पता करवाई थी, महंगी दे रहा था, फिर मैंने वो सेल्ला ना, सेल्ला के सामने मेडिकल स्टोर है, मैंने वहां से ली, ठीक है, उनकी रीजनेबल प्राइस थी। तो वेट लॉस मशीन मेरे पास है, मैंने रखी हुई, मैं हर सुबह मॉर्निंग उठकर अपना वेट चेक करती हूँ। तो आप लोग ने भी जब वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है अपनी, वेट मशीन आपके पास होनी चाहिए, सुबह आपने अपना वेट चेक करना है, देन आगे इस तरीके से अपना सिस्टम पोर्शन साइज वाला करें, एक्सरसाइज करें, सारा कुछ खाएं, अपना टाइम मैनेज करें, इंशाल्लाह आपका भी वेट कम हो जाएगा। और अपनी जर्नी जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।